तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, अभी मैं हूँ यहाँ पे जस्ट अपने घर की छत पे, और मैं आज आपको बताऊँगा। आज जैसे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और यहाँ पे घर ही से दोस्तों यहाँ पे लोग आजकल कामकाज कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे आजकल खेती बाड़ी भी कर रहे हैं दोस्तों, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हरियाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज बताना चाहता हूँ, ये आप देखते हैं लॉकडाउन में यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे घर में काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ उगाई हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बोया था कद्दू का बीज बोया था यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ पे जूम करके आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर झाड़ी के अंदर है। तो ये तो रही दोस्तों सब्जी की बात, अभी मैं आपको और सब्जियाँ भी बताऊँगा। ये हमने टमाटर का पौधा लगाया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये टमाटर का पौधा है, और आज ही सुबह से हमने टमाटर तोड़े थे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे माल्टे के पेड़ भी लगाए हैं अपने घर में, और इसमें दोस्तों माल्टे लग चुके हैं। माल्टे बोले तो मौसमी, आपको यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे माल्टे लगे हुए हैं, और जब ये पक जाएंगे, ये अभी तो नहीं पकेंगे, लेकिन ये पकते हैं अक्टूबर नवंबर में पक जाएंगे। फाइनली दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एक और भोलेनाथ का प्रसाद। तो कमेंट करके बताइए ये क्या चीज़ है दोस्तों। ये भी दोस्तों हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है दोस्तों, आप सभी को पता है ये क्या है। हाँ, इसकी खुशबू ही अलग है दोस्तों, जिसे यहाँ पे भोले बाबा का प्रसाद कहते हैं। तो इसकी खेती भी काफ़ी ज़्यादा होती है अपने गाँव में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गायें हैं वो घास खा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा पीछे यहाँ पे जंगल है दोस्तों, और मौसम भी आप देख सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है यहाँ पे। हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, लेकिन मौसम काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। तो पहाड़ों की यही खास बात है कि यहाँ मौसम एक जैसा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मौसम आपको एकदम फर्स्ट क्लास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने गाँव की जो कहते हैं बरातघर, ये यहाँ पर पंचायत भवन है दोस्तों। तो इसकी छत में हम आ चुके हैं, काफ़ी लंबी छत है इसकी, और यहाँ से तो अलग ही मज़ा आता है, अलग ही व्यू देखने को मिलता है यहाँ से। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गायें हैं, और यहाँ पे एक बालक यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों गाय चरा रहा है, आप देख सकते हैं। छोटू, हेलो बोल छोटू, हेलो बोल, हेलो। अभी यहाँ पे गुस्से में लग रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा गायें चल रही हैं, और आप देख सकते हैं ये दोस्तों हमारी वाली गाय है, यहाँ पे अकेले में चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है केले का पेड़, और इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा केले लगते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे केले नहीं लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द इस पर केले लगेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से सिंचाई की जा रही है, और यहाँ पे मिर्ची लगाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी डाला जा रहा है, जिससे यहाँ पे मिर्चियाँ जो है जल्द से जल्द हो जाएँ। तो अभी देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटी मिर्ची हैं यहाँ पे, यहाँ पे पानी डाला जा रहा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों चोरा चोरा, जिसे कि आप यहाँ पर सब्जी में डालते हैं या दाल बनाते वक्त डालते हैं, इसे चोरा कहते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उगाया गया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मूली, मूली की आप यहाँ पे मूलियाँ भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मूली भी उगाई गई हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं, एक और माल्टे का पेड़ है दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यह दोस्तों भुट्टा, भुट्टा बोलते हैं ना, ये दोस्तों भुट्टा, ये भी यहाँ पे लगाए गए हैं। कब होते हैं ये, कब होते हैं? तो ये जून अगस्त में बड़े हो जाएंगे, तो आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। और ये है दोस्तों क्या, ये भिंडी, ये है दोस्तों भिंडी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भिंडी लगाई गई है। और ये है छीमी, जिन्हें की क्या कहते हैं, बीन्स, बीन्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीन्स भी लगाई गई है, और इन सब में यहाँ पर पानी डाला जा रहा है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर खीरे का बेल देखी होगी किस तरह से ये होती है, और इसमें दोस्तों खीरा लगेंगे अपने यहाँ पे पहाड़ी खीरे,
जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं खाने में, तो इसको भी आपको बताएंगे ब्लॉग में जब इसमें खीरे लग जाएंगे दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा खेत इसमें दोस्तों कोदा बो रखा है और अभी अभी इसमें सिंचाई की गई है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा खेत यहाँ पे एक तरफ सब्जी लगाई गई है और एक तरफ यहाँ पे कोदा बो रखा है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे अपने ही खोल में और यहाँ आपको बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं, कोई भी यहाँ पे घर में नहीं है। ओह, एक शख्स है यहाँ पे घर में, तो अभी यहाँ पे आपको बताएंगे यहाँ पे खेती बाड़ी चलती हुई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी मेहनत मशक्क़त चल रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जूम करके बताऊँगा, ये देख सकते हैं आप काफ़ी भारी पत्थर लाए जा रहे हैं। और यहाँ पे सुअरों के बचाव के हेतु यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, इसमें खाद खूद सब कुछ डाल रखी है। और इसमें क्या बोल रखा है, कोदा। तो यहाँ पे चाचा जी पे चाची जी कुछ कह रही हैं लेकिन यहाँ पे जो है आपको सुनाई नहीं देगा, कह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सुअर जो है यहाँ पे खेतों में अनाजों को बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे खेत बंजर पड़े हैं, जितने भी नीचे तक आप खेत देख रहे हैं सारे बंजर खेत हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये 2 ही दिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चाची जी कुछ कह रही हैं लेकिन यहाँ पे जो है आपको सुनाई नहीं देगा, कह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सुअर जो है यहाँ पे खेतों में अनाजों को बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे खेत बंजर पड़े हैं, जितने भी नीचे तक आप खेत देख रहे हैं सारे बंजर खेत हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये 2 ही दिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। खैर अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरह से खेतों में काम किया जा रहा है, और अभी हम आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोस्तों पुराने घर, ये वाला जो आप घर देख रहे हैं तो ये हमारा पुराना घर था दोस्तों, जो कि अब टूट चुका है, जो कि अब यहाँ पे खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये है दोस्तों, ये भी एक और पुराना घर है, ये भी यहाँ पे टूट चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने पलायन कर दिया है, जिस कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे घर हैं वो टूट चुके हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से खेती बाड़ी की गई है गाँव में, यहाँ पे लोगों ने साग सब्जियाँ उगा रखी हैं काफ़ी भरपूर मात्रा में, यहाँ पे साग सब्जियाँ हैं पे देख सकते हैं। यहाँ पे चाचा जी कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ पे सुअर घुस सकते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने बाड़ कर रखी है इस तरह से लगता है कि यहाँ से सुअर तो नहीं आ पाएंगे। और इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी जो नीचे भेल है तो इधर से भी वो नहीं आ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त चल रही है। और चलिए खैर ये तो अपना कार्य करते रहेंगे, अभी आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है और अभी कुछ ही पलों में रात भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम एंड करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आपका दिन शुभ हो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।